देश में अब तक जातीय जनगणना को असंभव बताने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार में इसका समर्थन कर रही है। सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर हैं, तो बीजेपी भी उनके साथ कदम ताल कर रही है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के बाद बीजेपी इसमें पेच फंसाने की कोशिश में है। बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में इस बात की सहमति जताई गई कि जातीय और जाति में भी उपजातीय आधारित सभी धर्मों की गणना या सर्वेक्षण होगा। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि बीजेपी ने तीन पेंच कौन से फंसा रखे हैं। पहला, जातीय एवं उपजातीय गणना के कारण कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम ना जुड़ जाए और बाद में वो इसी के आधार पर नागरिकता को आधार ना बनाए। दूसरा पेंच, सीमांचल में मुस्लिम समाज में ये बहुतायत देखा जाता है कि अगड़े शेख समाज के लोग शेखोड़ा या कुल्हड़िया बनकर पिछड़ों की हकमारी करने का काम करते हैं। ये भी गणना करने वालों को देखना होगा कि मुस्लिम में जो अगड़े हैं वो इस गणना की आड़ में पिछड़े अथवा अति पिछड़े नहीं बन जाएं। ऐसे हजारों उदाहरण सीमांचल में मौजूद हैं जिनके कारण बिहार के सभी पिछड़ों की हकमारी होती है। भारत में सरकारी तौर पर 3,743 जातियां हैं और केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कहा कि उनके 2011 के सर्वे में 4.5 लाख जातियों का विवरण जनता ने दिया है। ये बिहार में भी नहीं हो इसके लिए सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तीसरा पेच, जातीय जनगणना के लिए बिहार सरकार को खुद ही सारा खर्च उठाना होगा, केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 40 सांसदों में से 39 एनडीए के हैं, आरजेडी के सांसद केवल राज्यसभा में हैं, कांग्रेस के एक सांसद लोकसभा में हैं, इसलिए हम लोग इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे कि जातीय जनगणना में जो खर्च आएगा वो भारत सरकार उठाए। इसके जवाब में डिप्टी सीएम तारा किशोर प्रसाद ने कहा कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जातीय जनगणना राज्य सरकार को करानी होगी, क्योंकि केंद्र ने पहले ही कहा है कि राज्य चाहे तो जातीय जनगणना करा सकती है। बीजेपी के सहयोगियों की बात करें तो बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन जेडीयू के अलावा अन्य सहयोगी दल कर रहे हैं। इनमें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी शामिल है। देश भर में बीजेपी के कई सहयोगी क्षेत्रीय दल भी इसके समर्थन में हैं। जातिगत जनगणना के समर्थक दलों की सूची देखें तो इसमें जातियों के जनाधार वाली क्षेत्रीय पार्टियां प्रमुखता से शामिल हैं। स्पष्ट है जातिगत जनगणना से क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूती मिलेगी, उनका वोट बैंक भी मजबूत होगा। बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल जेडीयू भी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार में ओबीसी का एक बड़ा जनाधार है, राज्य की 52% आबादी इसी वर्ग से आती है। ऐसे में अगर बीजेपी इससे दूरी बनाती है या इसका विरोध करती है तो उसे ओबीसी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और बड़ा वोट बैंक हाथ से छिटक सकता है। यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे पर सभी के साथ चलने में ही भलाई है, लेकिन इसी बीच बीजेपी की ये तीन पेंच वाकई मुश्किलों भरे हैं और इसका तोड़ कैसे निकालते हैं सीएम नीतीश कुमार, ये भी देखना होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।